Hello everybody, our today's topic is corporate finance. Well, let's get started with the introduction. Corporate finance is one of the most important subjects in the financial domain. It is deep rooted in our daily lives. All of us work in big or small corporations. These corporations raise capital and then deploy this capital for productive purposes. The financial calculations that go behind raising and successfully deploying capital is what forms the basis of corporate finance. Here is a short introduction. So what actually happens is कि हम लोग जब corporate finance के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा subject है जो कि हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. इसकी roots हमारी lives के अंदर ही पाई जाती हैं. कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर थोड़ा गौर फरमाएं तो हम एक चीज़ notice कर सकते हैं कि हमें बार बार ऐसे corporations के साथ में deal करना पड़ता है. Basically हर corporation क्या करती है, वो अपने capital को इस्तेमाल करती है कुछ productive purpose के लिए, उसमें से profit कमाती है, उसको फिर वापस से अपनी कॉरपोरेशन के अंदर लगाती है. तो ये चीज़ ऐसी है जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार देखते हैं. अब कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट फाइनेंस फाइनेंस का वो एरिया होता है जो कि मॉनेटरी डिसीजंस के साथ में डील करता है. ऐसे मॉनेटरी डिसीजंस जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज लेता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर ऐसे टूल्स भी आ जाते हैं जिनकी मदद से जो कंपनी है वो अपने डिसीजंस ले सकती है. कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है कि शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना. ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो मैनेजेरियल फाइनेंस जैसा ही है. मतलब देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजेरियल फाइनेंस, बट हाँ कि जो अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ते हैं तो इसका है ना सारी ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर एप्लीकेशन होता है. वेल देर इज़ अ सेपरेट ब्रांच कॉल्ड मैनेजेरियल फाइनेंस, बट अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ते हैं तो ये भी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये जो है टर्म, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड है. इसके अंदर बताया ये भी जाता है कि जो बैंक्स होते हैं उसके इन्वेस्टमेंट कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसके अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल को भी डिस्कस किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल एक्टिविटी. कॉर्पोरेट फाइनेंस उन सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कवर करता है, जैसे प्लानिंग, रेजिंग, इन्वेस्टिंग, मॉनिटरिंग द फाइनेंस ऑफ द कंपनी. रेजिंग द फाइनेंस के अंदर आ जाता है कि जो पैसा आप लगाने वाले हैं अपने एंटरप्राइज़ के अंदर, तो वो कैपिटल आप कहाँ से लेकर आते हैं कंपनी का. तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर, बैंक लोन्स. तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस तरह से हम लोग कैपिटल ला सकते हैं जो हम अपने कॉर्पोरेशन के अंदर लगा सकते हैं. अब एक बार हम जब उस कैपिटल को लेकर आ जाते हैं, अब टाइम है कि हम लोग इस कैपिटल को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिंग द कैपिटल. कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टिंग कैपिटल्स को भी इंक्लूड किया जाता है. अब आगे इसके अंदर बात करी गई कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक है. ऐसे नहीं है कि आप बिना किसी ऑब्जेक्ट को लेकर एक कॉर्पोरेशन को रन कर रहे हो. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, उसके बाद हम लोग है ना प्रॉपर एक डिविडेंड दे सके शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक अच्छा डिविडेंड मिले तो इट्स गुड फॉर देम. उसके बाद हम लोग है ना प्रॉपर रिजर्व क्रिएट कर सकें, हमें ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर्स को रिज़र्व में से निकाल कर पैसा देना पड़े, हमारे रिजर्व्स भी अच्छे रहें और हम लोग शेयर होल्डर्स को भी अच्छा डिविडेंड दे सकें. ये हर एक कंपनी का मोटिव होता है. तो एक ऑब्जेक्ट लेकर चलना पड़ता है. अब कंपनी को रन करने के लिए हमको लगता है कैपिटल. कैपिटल होता है दो टाइप का, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल होता है जहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं. सपोज जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग आपको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करनी पड़ेगी किसी कंपनी की, और करनी भी पड़ी तो बहुत जल्दी तो नहीं करनी पड़ेगी. पर वर्किंग कैपिटल वो होता है जो बार बार आपको रोज़ जो चीज़ें लगती हैं, जैसे अगर आप गुड्स प्रोडक्शन के लिए जाते हो तो आपको जो सामान रोज़ लगता है उस चीज़ को करने के लिए, तो उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, कि जिसके बिना आप कंपनी को रन नहीं कर सकते हो. जो मेन जो ऐसी चीज़ें रहती है, मशीनरी हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें तो फिक्स्ड कैपिटल में आती है. वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हाँ ना कंपनी के एसेट्स के अंदर आती है. ठीक है, उसके जो गुड्स होते हैं वो, इसके ना उस कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होती है वो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. हम लोग बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़.
अब जो कॉरपोरेट फाइनेंस है वो इस बात से भी डील करता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इनमें एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी आप कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉरपोरेट फाइनेंस का नेचर बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है। इसके अंदर है ना एनवायरमेंट के चेंज के साथ में, सर्कमस्टेंसेस के चेंज के साथ में, ये जो कॉरपोरेट फाइनेंस है इसके अंदर भी चेंजेस अपने को दिखाई पड़ते हैं। अब आगे यहाँ पर बात करी गई है प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। कॉरपोरेट फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। आप कैपिटल लेकर भी आ जाओगे तो उसको प्रॉपरली आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैनेज करना पड़ेगा उसको फर्दर कि वो कैपिटल अच्छा गेन आपको देकर जाए। अगला पॉइंट है मैनेजिंग फाइनेंस इज़ एन आर्ट एंड साइंस। इट इज़ एन आर्ट बिकॉज वी ऑल नो दैट यहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है इसको मैनेज करने के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो अ साइंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलो, तब आप सही तरह से यूज़ कर सकते हो अपने पैसे का। अगली बात आती है कि कॉरपोरेट फाइनेंस का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उस लीगल रिक्वायरमेंट्स। किसी भी कॉरपोरेशन को चलाने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स तो अराइज़ होती ही हैं। क्यों होती हैं? जैसे कि अगर आप आरओसी को कोई डिक्लेरेशन दे रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं आप आरओसी के लिए, या फिर आप सेबी से किसी चीज़ को अप्रूव करवाना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात ऐसी है कि आप है ना आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको CS, CMAs, CAs की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कंपनी को। अब आगे बात करते हैं कि जो कॉरपोरेट फाइनेंस है वो बिज़नेस मैनेजमेंट का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिज़नेस मैनेजमेंट वी कांट इवन इमेजिन इट इन एब्सेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। अब आगे हम बात करते हैं कि कॉरपोरेट फाइनेंस का स्कोप क्या होता है। कॉरपोरेट फाइनेंस का स्कोप होता है कि कॉरपोरेट फाइनेंस इंक्लूड्स मैनेजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन रनिंग अ कॉरपोरेशन। तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आप करते हो आपकी कॉरपोरेशन को वर्किंग रखने के लिए, वो सारी चीज़ें कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके अंदर ये भी चीज़ें इंक्लूड करके रखी है जहाँ से आप फाइनेंस लेकर आ रहे हो, आपके फाइनेंस का सोर्स क्या है, क्योंकि इवेंचुअली फिर आपको उनको वो सोर्स जहाँ से आप पैसा लेकर आ रहे हो उन लोगों को आपको पैसा लौटाना भी तो है। किस तरह से आप शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये चीज़ें भी कॉरपोरेट फाइनेंस के स्कोप के अंदर आ जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझना और उसके बाद उन कॉन्टिंजेंसीज को मीट कर पाना, ये सब चीज़ें भी कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर आती है। जो डिविडेंड शेयर होल्डर को दिए जाते हैं और उसके बाद जो आपके इन्वेस्टमेंट है कंपनी के और जो लाइबिलिटीज़ हैं, ये भी कॉरपोरेट फाइनेंस का एक पार्ट बनती है। तो वी कैन से दैट कॉरपोरेट फाइनेंस इंक्लूड्स प्लानिंग, रेजिंग, इन्वेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंस टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, क्योंकि कॉरपोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात कि इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता है। कॉरपोरेट फाइनेंस की वजह से अभी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हो रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहे हैं। कितनी सारी नई ऐसी मार्केट टेक्टिक्स हैं जो इन्वेंट की जा रही है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक इसके अंदर डाइवर्सिटी आ रही है कि आपको प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपके पास आजकल इतनी चॉइसेस है, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। अब अगली बात होती है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा ही फायदे की बात होती है। कॉरपोरेट फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि एम्प्लॉयज़ को अगर मतलब एम्प्लॉयज़ से अगर आप अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो आप उनको बोनसेस दीजिए, उनको छुट्टियाँ दीजिए, उनकी सैलरीज अच्छी रखिए, उनको फैसिलिटीज़ दे दीजिए। तो इससे इवेंचुअली होता ये है कि जो एम्प्लॉय होते हैं आपको बेटर वर्क करके दिखाते हैं और आपकी इवेंचुअली कंपनी आगे जाती है इससे। उसके बाद प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। आप अपनी कंपनी का प्रमोशन अपने प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में सारा सच लिखा होता है कंपनी का कि कंपनी क्या है एक्चुअली। तो आप अपनी कंपनी को प्रॉस्पेक्टस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं कि जब आप ये प्रॉस्पेक्टस पब्लिक एट लार्ज के सामने रखेंगे एज एन ऑफर तो इट विल स्पीक फॉर यू। तो आपकी प्रॉस्पेक्टस में ऐसी बातें होनी चाहिए कि वो आपके लिए मतलब वो जो प्रॉस्पेक्टस है वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके आपकी कंपनी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अपने जो बिज़नेस है उसका कंडक्ट आप स्मूथली कर पाओ तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर मैंशनड है। अब आगे बात आती है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्न टाइम है, काफ़ी लोग मतलब ऐसी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि जो मार्केट है उसके अंदर एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। पर एट द वेरी सेम टाइम अगर आप कुछ इनोवेटिव कुछ लेकर आते हो तो यू कैन डू रियली वेल इन द मार्केट एंड यू कैन सस्टेन देयर।
अब आगे बात आती है मीटिंग द कॉन्टिजेंसीज। कंपनी के लिए हर दिन एक जैसा नहीं होता, हो सकता है कि कभी आपको बुरे दिनों से भी गुजरना पड़े। कॉर्पोरेट फाइनेंस उन एस्पेक्ट्स को भी अपने अंदर लेता है कि अगर कभी कोई ऐसी कॉन्टिजेंसीज आ जाती है तो आप उनसे डील कैसे करोगे, जैसे लॉस हो गया, कोई नेचुरल कैलमिटी की वजह से लॉस हो गया, अगर आपके वर्कर स्ट्राइक्स पे चले गए तो फिर। इसके ना गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी इंक्लूड करके रखा है, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एक्साइज अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। उसके बाद आगे बात करके रखी है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड वो होता है जो आप प्रॉफिट का शेयर अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हो, दैट इज़ डिविडेंड। और अगर आपने बैंक से पैसा लिया है या फिर डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया है तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो आपके हर साल जाती है कि आपको डिविडेंड देना पड़ता है और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस अपने अंदर ये सारी चीज़ों को भी लेकर रखता है कि आप डिविडेंड किस तरह से पे करेंगे और इंटरेस्ट किस तरह से पे करेंगे। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। अगर आप एक मशीन खरीद लेते हो तो इट्स नॉट लाइक कि वो आपका ज़िंदगी भर साथ देगी और कंपनी में हमेशा के लिए वो मशीन रहेगी, आपको एक टाइम पर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर इंक्लूड करी जाती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे फाइनेंस की प्लानिंग, कि अगर आप कैपिटल लगा रहे हो तो उसको ढंग से प्लान करके लगाएंगे हम। उसके बाद कैपिटल को रेस किस तरह से करेंगे कि हमको बाहर वालों से पैसा नहीं लेना पड़े, तो हम लोग कैपिटल खुद का कितना ज़्यादा रेस कर सकते हैं। अगर हम लोग कैपिटल एक बार रेस कर लेते हैं या फिर बाहर से मैनेज भी कर लेते हैं तो उसको सही तरीका क्या है उस कैपिटल को इन्वेस्ट करने का, वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस ही हमें बताता है। हम लोग रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अगर हम लोग रिस्क लेते हैं तो हमको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, तो रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें बताता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल टॉपिक है और काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर लिए होता है, और उसके अंदर अपने कॉर्पोरेशन से जो रिलेटेड है बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं।